नमस्कार दोस्तों, आज का एक वीडियो आप लेके आ रहे हैं डॉक्टर साहब के पास से। और ये अधोया जो है वो गांव है, अंबाला जिले में है, बराड़ा के बिल्कुल नजदीक है। और भाई साहब से मैं मिलवाता हूँ, बात करवाता हूँ। ये वीडियो स्पेशल एक रेयर सी ब्रीड है जो इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलती है। वैसे फोटो वगैरह देखते भी यहाँ पर मेरे को ध्यान भी नहीं है, एक्चुअल में मेरे को डॉग्स का इतना साइबेरियन अस्की हाँ मैंने देखा है, कई फिल्मों में भी आता है शायद ये। तो साइबेरियन अस्की के भाई के पास पप्पी भी हैं, डॉग्स भी हैं, फीमेल मेल सारा कुछ ही है। तो डॉक्टर साहब अपने साथ हैं, सारा कुछ इनसे पूछेंगे आपा। तो जो भी भाई डॉग्स से प्यार करता है वो डॉक्टर साहब के नंबर भी मैं पूछ लूंगा, सारी बातें पूछेंगे, करेंगे बात। भाई साहब राम राम। नमस्कार, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया जी। तो अपना एआई का भी काम है भाई साहब, डॉक्टरी का भी काम है, पशुओं का ही। हाँ जी। तो भाई साहब नाम बताएं सबसे पहले। तो मेरा नाम दीपक राणा है। दीपक भाई, ठीक है, अधोया विलेज है मेरा। हाँ जी। और अंबाला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो भाई साहब डॉग्स का भी साथ में, जैसे एआईटी का भी काम हो गया, डॉक्टरी का भी हो गया, डॉग्स का कैसे शौक हुआ? डॉग्स का भी बस अपना अपना शौक है। जैसे मेरे को अच्छे लगे डॉग, तो एआई के साथ साथ मैंने डॉग का भी बिजनेस कर लिया, क्योंकि डॉग के साथ साथ मेरी अच्छी काफी कमाई हो जा, क्योंकि एक एक बच्चा मेरा 20 से 25 हजार के लगभग सेल हो जाता है। तो आपने ये बता दिया कि कोई भी भाई मेरे पास फोन करे तो 20-25 हजार रूपए रेट है मेरे बच्चों का, क्योंकि अब तो डाउन है मार्केट, तब इतना रेट है, क्योंकि बुल्ली का जो रेट है वो प्रॉपर ही 20-25 हजार से शुरू है। ठीक है, तो ये बुल्ली है कि साइबेरियन हस्की? साइबेरियन हस्की बुल्ली कोट के पप्पी है अपने पास जो है। अच्छा, क्योंकि अपने पास स्टड भी अपना ही है, बुल्ली डॉग है जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये वाला? हाँ जी, ये अपना स्टड है। आप बताते रहो, क्योंकि अब मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बताओगे। जिससे हमने इनकी मीटिंग कराई, जिससे हमने तीनों फीमेलों को क्रॉस कराया, अब उसके बाद हमारे पास ये पप्पी अवेलेबल हो गई, जिसके में मेल भी और फीमेल भी है। अगर जिस भाई को चाहिए होगा बुल्ली कोट का प्रॉपर क्वालिटी का बच्चा, मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, बुल्ली कोट का साइबेरियन हस्की का मेल या फीमेल? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कोई इंपोर्ट करवाया हुआ है या आपने? ये बाहर से इंपोर्ट कराया था। ठीक है, वैसे कौन से देश की ब्रीड है ये? जो पोलैंड से इंपोर्ट है। पोलैंड से? हाँ जी। तो पोलैंड और यहाँ का अपना एनवायरमेंट सेम है या नहीं? सेम या काफी टाइम लग जा, बच्चे को बच्चा लिया था मैंने, पप्पी तैयार किया था, अब इन्वॉल्वमेंट होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो जैसे जैसे यहाँ का वातावरण में अनुकूल हो गया, अब ये ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। पोलैंड से इम्पोर्ट कराने के, बाहर से इम्पोर्ट करने से कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ जो बच्चे पैदा हुए उनमें तो कोई समस्या आएगी भी नहीं है ना? ये पप्पी तो बिल्कुल अच्छे है। तो ये भी साइबेरियन के ही है भाई जी, है ना? ये वाली फीमेल, ये भी कोई इम्पोर्ट है या अपने इंडियन? ये अपने घर से ही है। ठीक है, तो एक एक इसने भी बच्चे दे रखे हैं, एक इधर फीमेल है, इसने भी दे रखे हैं, फीमेल ने भी बच्चे दिए हुए हैं, और लास्ट में भी। हाँ जी। ये तो भाई घर भर रखा है पैसों का फिर है, ये गलत कह रहा हूँ? और आप रेट कम बता रहे हो, उससे पहले तो फिर 50-50 हजार के बिकते होंगे। उस टाइम तो मैंने 45 और 40 के लगभग मेल सेल किया इनका। ठीक है, 45 और 40 50 हजार का। ठीक है, तो अभी 20 से 25 हजार में के लगभग बच्चा। तो फीमेल सस्ती है कि मेल सस्ता है? फीमेल का ये 2-3 हजार का फर्क है मेल से। ठीक है, ठीक है। तो कोई फोन फान करे तो हमारी तरफ से भी कोई भाई 2-4 हजार की छूट कर देना आप। बिल्कुल कर देंगे। हाँ, ये ना हो के यार कोई ये कहे, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो नंबर बताओ डॉक्टर साहब अपना। 94-165-52-403 और भाई साहब के पास HSB का सीमर भी मिलता है इस एरिया में? अगर कोई भी भाई अपना पशुपालन से संबंधित बीज रखवाना चाहता है तो फोन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और पप्पी वाले भी फोन करें क्यों? इसका बढ़िया सा फोटो मेरे को आप जरूर देना, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सेंड करूंगा मैं आपके पास। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए जी, साइबेरियन और कौन सा कोट बताया था? बुल्ली कोट के साइबेरियन हस्की के बढ़िया इम्पोर्ट डॉग के बच्चे भाई के पास है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा पहला दूसरा वीडियो है अपने चैनल पे डॉग से संबंधित? बाकी जिसको बढ़िया लगे वो भाई लाइक कर दो, जिसको ना लगे भाई वो स्किप कर दो, डिसलाइक मत करना। ठीक है, राम राम सभी का।